नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपको फोटोशॉप के अंदर पेन टूल के माध्यम से हम लोग कैसे फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे ये मैं आपको बताऊँगा, और स्टेप बाय स्टेप और आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा। और फिलहाल मैं फ़ोटोशॉप 7.0 का यूज़ कर रहा हूँ, तो फ़ोटोशॉप का कोई सा भी वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तरीका सबका सेम टू सेम ही है। तो चलिए देखते हैं कैसे फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे पेन टूल के माध्यम से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको उस फ़ोटो को लेकर आते हैं, तो यहाँ फाइल में जाएंगे, जाने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद इस तरह ओपन का डायलॉग बॉक्स आएगा। जिस फ़ोटो का भी आपको बैकग्राउंड चेंज करना है पेन टूल के द्वारा, उस फ़ोटो को लेकर आएंगे। तो यहाँ लुक इन जो है, यहाँ से आप उस पर्टिकुलर ड्राइव फोल्डर के अंदर जा सकते हैं और उस फ़ोटो को लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ एक फ़ोटो है, देखिए मैं उसको लेकर आता हूँ। जैसे ये एक फ़ोटो है, सिंपल सा फ़ोटो है, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल सा फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है। अब पेन टूल का यूज़ करने से पहले एक दो बातों का मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे जो भी फ़ोटो हम लोग लेकर आते हैं तो यहाँ पे देखिए वो अलग से एक विंडो में इस तरह ओपन होता है। अब जब भी आप फ़ोटो का, जब भी आपको उसमें पेन टूल यूज़ करना हो या फ़ोटो कटिंग करना है, फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो फ़ोटो को हमेशा आप उसको बड़ा करके जूम करके उसको सिलेक्शन करेंगे तो बेहतर होगा, सिलेक्शन ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पे इसको क्या करना है, ये जो यहाँ पे बटन दिया हुआ है, ये वाला आपका मैक्सिमाइज का बटन, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप फ़ोटो आपको इस तरह आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं। अब रहा सवाल फ़ोटो थोड़ा सा, अब हमें इसको सिलेक्शन करना है। तो फ़ोटो को जूम इन और जूम आउट, या तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टूल आपको दिखाई दे रहा है जूम टूल, इसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए जूम का माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा, उसके बाद अगर इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जूम होता है। और अगर जूम आउट करना है तो यहाँ पर माइनस का यहाँ पर दिया है जूम आउट के लिए, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट, इस तरह फ़ोटो आपका जूम आउट होता है। तो ये है टूल के माध्यम से करेंगे, ये वाला टूल के माध्यम से, और इसका शॉर्टकट भी है, कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए मैं फ़िलहाल यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड रखा है, यहाँ पे कंट्रोल के साथ ये वाला बटन दबाइएगा तो यहाँ पे आपका जूम होगा, ये वाला दबाइएगा कंट्रोल के साथ, इसको दबाइएगा तो जूम आउट होता है। अब रहा सवाल पेन टूल के लिए, और हमेशा याद रखिए जब आप पेन टूल का यूज़ कीजिएगा तो पेन टूल में देखिएगा यहाँ पर टूल बॉक्स में, यहाँ पर देखिए पेन टूल है, तो पेन टूल का यहाँ पे देखिए उसका यहाँ पे दिया है शॉर्टकट की पी है, पी दबाने से पेन टूल आपका एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा कोई भी टूल यूज़ कर रहे हैं पी दबाइएगा तो ऑन हो जाएगा पेन टूल। अब जब भी आप फ़ोटो को बड़ा कीजिएगा, देखिए यहाँ पे जैसे मुझे मान लीजिए इस फ़ोटो को आप सिलेक्ट करना है, तो इससे अगर छोटा करके इसको सिलेक्ट करेंगे तो अच्छी तरह सिलेक्शन नहीं होगा, तो फ़ोटो को हम लोग जूम करेंगे। तो जूम करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, तो कंट्रोल के साथ ये प्लस का बटन इस तरह दबाया मैंने, तो देखिए ये हो चुका है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग सिलेक्शन करते हैं फ़ोटो को, यहाँ पे देखिएगा फ़ोटो को सिलेक्शन करेंगे हम लोग, तो क्या होता है कि सिलेक्शन करते वक्त अगर यहाँ पे जब सिलेक्शन करते करते अगर थोड़ा मूव करना है तो क्या करेंगे पेन टूल के साथ साथ, तो उसके लिए हम लोग ये आपका ये जो हैंड टूल है इसका भी एक शॉर्टकट है एच है, तो जब फ़ोटो को ज़्यादा जूम कर लेंगे तो इसको ऊपर नीचे हम लोग हैंड टूल एच प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड में, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एच है, इसको दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका हैंड टूल आ जाता है, उसके बाद आप उसे ऊपर नीचे मूव कर पाइएगा, मैं आपको दिखाऊँगा जब सिलेक्शन करेंगे। तो अब तो फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है, ये देखिए इसको छोटा करने के लिए फ़ोटो को थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब थोड़ा सा लेयर का पैलेट में हम लोग चले जाते हैं, लेयर का पैलेट में जाएंगे तो जब भी हम लोग फ़ोटो लेकर आते हैं कुछ भी, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखिएगा एक बैकग्राउंड आपका लेयर दिखाई देगा, तो ये मेरा ओरिजिनल फ़ोटो है, तो जैसे ये ख़राब ना हो, प्रॉब्लम नहीं हो फ़ोटो में, तो यहाँ पर इसका एक डुप्लीकेट यहाँ पर बना लेंगे। तो या तो इसको ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से आप डुप्लीकेट लेयर बना सकते हैं, अदरवाइज़ इसको ड्रैग करके यहाँ से भी इसका एक कॉपी यहाँ पर ड्रैग कर देंगे नीचे, इसका एक बैकग्राउंड का कॉपी बन जाएगा। अब रहा सवाल इसको हमको सिलेक्शन करना है फॉर इसको, तो यहाँ से हम लोग इसको सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे पूरा का पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाकर इसको ख़त्म करेंगे पेन टूल के माध्यम से। तो अब क्या करेंगे, इसको फ़ोटो को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये मैं फ़ोटो को थोड़ा सा जूम कर लिया,
करने के बाद यहाँ पे पी प्रेस कर सकते हैं और पेन टूल पे हम लोग क्लिक कर देंगे। पेन टूल पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर उसके प्रॉपर्टी बार यहाँ पे शो करेगा, देख सकते हैं इस तरह। तो पेन टूल पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जब प्रॉपर्टी बार शो कर रहा होता है तो यहाँ पे देखिए ये वाला एक ऑप्शन है शेप लेयर। अगर शेप लेयर करके अगर आप पेन टूल यूज़ कीजिएगा तो फिल हो जाएगा, उसमें जो कलर यहाँ पे रहेगा वो फिल हो जाता है। तो आपको ये बीच वाला पाथ वाला आपको यूज़ करना है, तो इसको आपको सिलेक्ट करना है। पहले आपको पेन टूल पे क्लिक करना है, फिर आपको इस पर इसको सिलेक्ट कर देना, उसके बाद आपको यहाँ पे एसर के आपको यहाँ से नीचे से यहाँ पे क्लिक करके इस तरह आपको क्लिक करके एसर के सिलेक्ट करना है। अब जब पेन टूल का यूज़ कीजिएगा तो देखिएगा इस तरह का आपका हैंडल दिखाई देगा, ये हैंडल से ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। तो ये हैंडल किस लिए होता है, ये जो हैंडल आपको दिख रहा है ये देखिए मैं इसको ऊपर नीचे इस तरह मूव कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरह ये मूव होता है। ये हैंडल इसलिए होता है कि जब नेक्स्ट वाला जो हम लोग पॉइंट देंगे यहाँ पे, अगर पॉइंट देंगे तो ये उसी डायरेक्शन में फॉलो करता है। तो अगर आपको पॉइंट नहीं चाहिए, हैंडल नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ऑल दबा दीजिएगा। ये मैं ऑल दबा दिया तो ये आपका हैंडल यहाँ से हट जाएगा। फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देख सकते हैं। फिर भी अभी भी देखिए यहाँ पे हैंडल आपको दिख रहा है, हैंडल मैंने सीधा कर लिया। अब देखिए ये सिलेक्शन मेरा ठीक हूबहू इसी हिसाब से जा रहा है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है, एक प्रॉब्लम और होता है, अब ये मुझे हैंडल नहीं चाहिए, ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे ऑल्ट दबा देते हैं, ऑल्ट की दबा के यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक कीजिएगा तो हैंडल चला जाएगा। अब बहुत बार ऐसा भी होता है, ये जो नोड हम लोग यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर मान लेते हैं नोड को हमको थोड़ा सा और अंदर की तरफ मूव करना है या इधर बाहर मूव करना है, ये नोड तो दे दिया हम लोगों ने, तो क्या करेंगे, कंट्रोल की देखिए यहाँ पे कीबोर्ड में है, ये है आपका कंट्रोल की, ये आपका ऑल्ट की है, तो कंट्रोल की दबाकर आपको उसको मूव कर सकते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे रखा मैंने, यहाँ पे कंट्रोल दबाया, ये देखिए इसको मूव कर सकते हैं नोड को, देख सकते हो ऊपर नीचे मैं इसको मूव कर करके आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कर्व टाइप यहाँ पे बना हुआ है इस तरह, देख सकते हैं। तो यहाँ पे जूम करेंगे तो जूम का मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए कंट्रोल के साथ, कंट्रोल की के साथ इसको दबाइएगा तो जूम होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ, पेन टूल ऑन है मेरा, कंट्रोल के साथ इसको मैं दबा रहा हूँ, देखिए जूम हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे जूम हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे जूम हो रहा है। अब इसको फोटो को देखिए, सिलेक्शन मेरा यहाँ चला गया, तो फोटो को थोड़ा और थोड़ा नीचे से मुझे यहाँ से सिलेक्शन करना है, तो एच प्रेस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हैंड टूल देखिए, यहाँ पे हैंड टूल है, इस पर क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे मूव कर लिया हम लोगों ने, इसको हैंड टूल करके एच प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो पेन टूल हमको चाहिए तो पी दबाएंगे तो पेन टूल आ जाएगा, देखिए पी दबाया कीबोर्ड में तो पेन टूल आ जाएगा, देखिए ऑलरेडी ये एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ से मुझे फिर सिलेक्शन करना है तो यहाँ पे एक बार ऑल्ट की हम लोग दबा देते हैं, दबा दिया यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए ऐसे थोड़ा कर्व किया, ये देखिए फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर्व कर देते हैं, ये देखिए अभी हैंडल देखिए इस तरह जा रहा है मेरा हैंडल। अगर नहीं चाहिए हैंडल तो यहाँ पे ऑल्ट की दबा के इसको क्लिक कर देंगे, हैंडल हट गया। अब यहाँ से देखिए मेरा सिलेक्शन सीधा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आ गया, क्लिक कर दिया। अब यहाँ से क्लिक करके फिर हम यहाँ से एक हैंडल, माउस को छोड़ने से वो हैंडल नहीं आएगा, ये देखिए यहाँ से गड़बड़ हो गया मेरा, तो गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन आएगा डिलीट एंकर पॉइंट, यहाँ पे देखिए डिलीट एंकर पॉइंट देखिए यहाँ पे चला गया। इसको थोड़ा सा मुझे यहाँ पे थोड़ा मूव करना है, देखिए ये सिलेक्शन सही नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल अगर दबाता हूँ मैं ये वाला, इसको मूव करके यहाँ से मैं इसको ऐसे ला सकता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ऑल्ट की दबा के इसको मैं थोड़ा सा इसको इधर उधर मूव कर सकता हूँ, लेकिन अभी भी देखिए गड़बड़ हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे डिलीट एंकर पॉइंट कर देंगे, तो यहाँ से डिलीट हो गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे लाया और ऑल्ट दबा देंगे, एक बार ऑल्ट दबा दिया। अब यहाँ पे लाके मैं इसको थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे मिला दिया, हो गया। अब इसको छोड़ना नहीं है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन मुझे इतना ही रखना है, ये रख दिया। अब ये मुझे ये पॉइंट क्या पता चल रहा है, इधर इधर जाएगा सिलेक्शन, सही तरीका से यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। तो क्या करेंगे, ये बोला हैंडल नहीं चाहिए तो यहाँ पे ऑल्ट दबा के मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, हो गया। अब यहाँ पे आके यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे इसको ऑल्ट दबाया मैं, यहाँ से ऑल्ट इस पर रखा मैंने, ऑल्ट यहाँ पे दबा दिया, उसके बाद यहाँ से मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके एक बार ये देखिए ऐसे इसको ड्रैग कर दिया, सही है, देख सकते हैं, ये देखिए मेरा ये सिलेक्शन बिल्कुल सही परफेक्ट हो रहा है, ये देखिए हो गया मेरा, यहाँ स्ट्रेट जा रहा है, इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया। फिर मैं एक यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर्व कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये पॉइंट मेरा इधर जा रहा, तो यहाँ पे पॉइंट को क्या करेंगे, या तो अगर इसको पॉइंट को इधर से उधर मूव करना है तो ऑल्ट दबा के आप इसको इधर से ऑल्ट दबाया इसको डायरेक्शन में चेंज कर सकता हूँ, ये देखिए देख सकते हैं आप,
तो मुझे पॉइंट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल दबाएंगे, इसको क्लिक कर देंगे, हो गया। अब देखिए ऊपर मुझे सिलेक्शन करना है, तो ऊपर सिलेक्शन करने के लिए फ़ोटो को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करना है, तो कीबोर्ड में एच प्रेस करेंगे तो ये आपका हैंड टूल एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं कीबोर्ड से एच प्रेस किया, थोड़ा फ़ोटो को नीचे कर लेता हूँ, ये देखिए मैंने नीचे कर लिया। अब यहाँ पर फिर से मुझे सिलेक्शन करना है इसको पेन टूल से, तो पी प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, पी प्रेस किया डायरेक्टली यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पे ऑल्ट एक बार क्लिक कर देंगे, ये क्लिक कर दिया। अब यहाँ से मुझे यहाँ पे ये देखिए मैं इसको थोड़ा नीचे की तरह इस तरह ड्रैग कर देता हूँ, देखिए जो कान है इसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन पॉइंट देखिए ये हैंडल मेरा इधर जा रहा, तो ये हैंडल मुझे नहीं चाहिए, तो ऑल्ट की पे क्लिक करके इसको हटा देंगे, हट जाएगा। फिर इसको यहाँ पर क्लिक किया, अब देखिए यहाँ से मेरा ये देखिए यहाँ पर क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, लेकिन देखिए एक सिलेक्शन मेरा ऐसे गलती हो गया, देख सकते हैं। तो हटाएंगे कैसे, यहाँ पे रखा, राइट क्लिक किया, यहाँ से डिलीट एंकर पॉइंट। मैं आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ जिससे आप अच्छी तरह से कर पाइएगा, सीख पाइएगा। उसके बाद अब यहाँ से मुझे यहाँ तक सिलेक्ट करना है, तो इस पर मैं पॉइंट पर ऑल्ट की दबा देता हूँ, यहाँ पर रखा, ये मैंने ऑल्ट की दबाया। अब यहाँ से थोड़ा सा ये देखिए मैं ऐसे करके इसको ड्रैग कर दे रहा हूँ, ये देखिए ये हो गया। अब ऊपर मुझे जाना है, तो ये हैंडल मुझे नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, ऑल्ट यहाँ पे दबा देता हूँ, ये ऑल्ट की करके दबा दिया। उसके बाद एच प्रेस करेंगे, हैंड टूल आ जाएगा इस तरह, हैंड टूल आ गया। अब मुझे यहाँ से सिलेक्शन करना है, तो क्या करेंगे, फिर पेन टूल पे चले जाते हैं या पी प्रेस कीजिएगा, ऑल्ट के साथ इस पर क्लिक किया, यहाँ पर ये देखिए ऐसे करके आपको सिलेक्ट कर देना है, ये देखिए ये मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, हो गया। अब ये माउथ मुझे इधर, ये जो हैंडल है इसको इधर लगाना है, तो यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करता हूँ, इसको मैं इधर मूव कर देता हूँ, जैसे मेरा सिलेक्शन इधर मूव होगा। फिर मैं यहाँ क्लिक कर दिया, फिर मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, ये मैं यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ, फिर इसको मैं यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा सा इसको कर्व कर दिया इस तरह, फिर मैं यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा सा कर्व कर दिया, फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पर रख के क्लिक कर्व कर दिया। अब बाल उल रखना है तो आप रख सकते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं। फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर मैं यहाँ पे बस सिंपली आपको इस तरह क्लिक करते जाना है, इस तरह क्लिक करके स्ट्रेट इसको बता देना है कि भाई इसको इधर जाना है हैंडल को। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे लेकर आ गया, ये देखिए मैं यहाँ से इसको यहाँ तक लेकर आया। उसके बाद क्या करना है, फिर एज प्रेस कीजिए, ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कर्व नुबा इस तरह है, तो क्या करेंगे, फिर से पेन टूल पर चले जाते हैं, और यहाँ पे है, यहाँ पे ऑल्ट दबा दिया, ये मैं यहाँ पे ऑल्ट दबा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया, फिर इसको यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा ऐसे इसको कर्व कर दिया ऐसे, ये डायरेक्शन देखिए नहीं चाहिए ये वाला हैंडल, तो यहाँ पे ऑल्ट दबा के इसको चेंज कर सकते हैं हैंडल को, ऐसे चाहिए भाई मुझे। उसके बाद यहाँ क्लिक कर देता हूँ, ये मैं यहाँ क्लिक किया, साथ में फिर मैं यहाँ से थोड़ा सा कर्व कर देता हूँ, ये कर्व कर दिया, हैंडल नहीं चाहिए। यहाँ पे ऑल्ट दबा के मैं इसको क्लिक कर दिया। अब यहाँ से देखिए यहाँ तक कर्व है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए आ गया। अब ये हैंडल मुझे इधर टर्न करना है, तो ऑल्ट दबाया है यहाँ पर, और इसको मैं इधर मूव कर बता रहा हूँ कि भाई इधर चलना है इसको। फिर मैं यहाँ पर क्लिक किया, फिर इसको यहाँ पर क्लिक किया, फिर इसको यहाँ पर क्लिक किया, देख सकते हैं। फिर एज प्रेस करेंगे, ये मैं एज प्रेस किया, इधर चले जाते हैं, इसको हटा देते हैं इधर, फिर पेन टूल पे आते हैं, फिर मैं इसको यहाँ पे क्लिक किया, ऐसे भी क्लिक करते जाएंगे, ये देखिए आ रहा है, इसको ऐसे आपको क्लिक करते जाना है, ये मैं ऐसे करके, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे, फिर मैं ऐसे। अब नीचे जाना है, एज प्रेस करते हैं, ये और अच्छी तरह से आपको सिलेक्ट करना होगा। फ़ोटो को थोड़ा छोटा कर देते हैं, कंट्रोल करके माइनस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ तक देखिए ये सिलेक्शन मेरा यहाँ से स्टार्ट करता होता हुआ यहाँ तक आ चुका है, देख सकते हैं। उसके बाद फिर पेन टूल पे क्लिक करेंगे, ये मैं यहाँ पे क्लिक किया, फिर एक स्ट्रेट है यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, हो गया, देख सकते हैं पूरा हो चुका है सिलेक्शन। अब यहाँ पे इसके फ़ोटो के बीच में राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन आएगा मेक सिलेक्शन, कर दिया। अब पूछा जा रहा है मेक सिलेक्शन फेदर रेडियस 2 कर दिया, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए पूरा सिलेक्शन हो चुका है, देख सकते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, इस फोटो को कुछ नहीं करना है, इसके यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है, ये सिलेक्शन हो गया। उसके बाद ये जो टूल है मूव टूल, इस पर क्लिक कीजिए, करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट में जाइए, जाने के बाद इन्वर्स का ऑप्शन, इन्वर्स पर क्लिक कर दीजिए, उल्टा तरफ सेलेक्ट हो चुका है, देखिए उल्टा तरफ मेरा सिलेक्ट हो गया।
हो जाने के बाद यहाँ पे टूल बॉक्स में जाइए, यहाँ से ग्रेडियन जैसा चाहिए आपको, अगर ये वन कलर चाहिए तो वन कलर ले सकते हैं, ग्रेडियन करना है जैसे मान लेते हैं यहाँ से मुझे ये ग्रीन कलर या ब्लू कलर चाहिए, इस पर क्लिक करके ब्लू कर दिया। अब इसको फिल करना है तो पेंट बकेट ये देखिए पूरा का पूरा, ऑल्ट बैक स्पेस दबाइएगा पूरा का पूरा यहाँ पर कलर हो जाएगा। ये देखिए ये ऑल्ट और बैक स्पेस दबाने से पूरा कलर हो जाएगा। क्या करना है, एक बार में कलर करना है तो ऑल्ट के साथ आप बैक स्पेस आता है ऊपर में, देखिएगा बैक स्पेस इस जगह रहता है, यहाँ पे बैक स्पेस रहता है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो पूरा का पूरा देखिए मेरा यहाँ पे देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। अब इसमें क्या करना है, अगर दूसरा कोई कलर डालना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, ग्रेडियन में जाइए, यहाँ पर लीजिए, यहाँ से मान लेते ये कलर चाहिए, चाहिए ये कलर जो आपको अच्छा लगे, यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे ये लाइट है तो यहाँ से बीच से पकड़ के इस तरह ड्रैग करेंगे, ये देखिए सुंदर सा देखिए बैकग्राउंड मेरा चेंज हो गया, देख सकते हैं। उसके बाद ये सिलेक्शन हटाने के लिए सिलेक्ट में जाइए, डिसलेक्ट कर दीजिए, देखिए सुंदर से देख सकते हैं, कंट्रोल करके माइनस कर देते हैं, ये देखिए देख सकते हैं, ये देखिए सुंदर से पता नहीं चल रहा है कि ये मैंने फ़ोटो को देखिए इसका बैकग्राउंड इजीली कितना सुंदर से इसका चेंज कर दिया। उसके बाद इसको क्या करना है, फाइनली निकालना है, फाइल में जाके इसको सेव ना करके सेव एज पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जहाँ पे भी निकालना है यहाँ पे जाके डेस्कटॉप हो कहीं पे भी, डेस्कटॉप हो कहीं पर भी, उसके बाद यहाँ पर नाम दे दीजिए, यहाँ पर JPG फॉर्मेट दिया, जो भी नाम देना है फाइनल फोटो कर दिया और इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद JPG का ऑप्शन आएगा, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए, हो गया। अब डेस्कटॉप पे चले आते हैं, ये देखिए फाइनल फोटो डेस्कटॉप पे दिख रहा है, राइट क्लिक किया, उसके बाद यहाँ से ओपन पे हम लोग क्लिक कर देंगे, फोटो यहाँ पे आ चुका है सुंदर से, देखिए इसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। जो ओरिजिनल फ़ोटो था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये था, इसको बंद करते हैं, तो ये फ़ोटो था ओरिजिनल फ़ोटो, ओरिजिनल फ़ोटो एज इट इज़ जैसा है वैसा है, उसके बाद जो किया था ये देखिए चेंज करने के बाद ऐसा होता है। तो इस तरह पेन टूल का यूज़ हम लोग करके फ़ोटो को अच्छी तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं, प्लस उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, और थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बारीकी के साथ अगर कीजिएगा तो और अच्छी तरह से सिलेक्शन होता है, परफेक्ट सिलेक्शन होता है, और इससे फ़ोटो कटिंग हो चाहे फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करना हो ईज़िली आप कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताया, तो हो सकता कहीं कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं तरीका आपको इजी तरीका बता दिया जिससे आप भी इस तरह फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और भी कुछ जानना चाहते हैं फ़ोटोशॉप से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।